ये है कोहका भिलाई का ऑटो मैकेनिक बादल उर्फ तुकालाल वर्मा। 12वीं तक शिक्षित इस मैकेनिक ने 3 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा लिक्विड तैयार किया है जिसका लेप दुपहिया चार पहिया वाहनों के टायर में लगा दे तो वो वाहन पंचर मुक्त हो जाएगा। बादल ने इसका ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम के सामने प्रदर्शन भी किया जिसमें उसने एक के बाद एक कई किले टायर में घुसाई और फिर उन सभी किलों को वापस निकाला। उसके बाद उसने टायर की हवा चेक की तो उसमें हवा जस की तस थी। इस वाहन के टायर में उसने अपने ही द्वारा तैयार वो लिक्विड लगाया था। चर्चा के दौरान गुलाब वर्मा ने बताया कि कुछ साल पहले उसने लोगों को पंचर वाहन खींचकर अपनी दुकान में पसीने से लथपथ वाहन चालकों को आते देखा। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा उपाय हो जिससे वाहन पंचर ही ना हो और उसने 3 साल तक अलग अलग सामग्रियों के प्रयोग के बाद ये लिक्विड तैयार किया जिसे उसने अपने ही वाहन में प्रयोग किया जो कि सफल भी रहा। इस लेप को लगाने के बाद से उसका वाहन आज तक पंचर नहीं हुआ है। ये लिक्विड है जिसको अपन ट्यूबलेस टायर में भी लगा सकते हैं, ट्यूब में भी लगा सकते हैं, टू व्हीलर में भी लगा सकते हैं, फोर व्हीलर में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने से कील का टायर में कोई असर नहीं होगा, उसमें से हवा बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, चाहे कील गड़ा रहे उसमें चाहे निकाल दें, आप कहीं भी जा सकते हैं उसमें, पंचर बनवाने की भी जरूरत नहीं है। इसको बनाने में सर जी 3 साल लगा, ये 3 साल तक चलेगा, 3 साल तक ये लिक्विड सूखेगा नहीं, उसके बाद आप चाहें तो फिर से उसे लगवा सकते हैं जी। ये मैं शुरू से जब मैं कहीं भी जाता था तो लोगों को परेशानी में देखता था, धक्का देते गाड़ियों को, तब ये दिमाग मेरे में आया कि कुछ ऐसा चीज बनाया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो जी। मैं इसको पूरा हिंदुस्तान में लाना चाहता हूँ ताकि यहाँ की पब्लिकों की जो भी है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। इससे क्या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कोई ड्यूटी जाने वाला है, गाड़ी पंचर है, समय से अपने काम पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये चीज लगाने से बहुत ही अच्छा रहेगा उन लोग के लिए। गुलाब वर्मा अपने इस प्रोजेक्ट को प्रचारित कर नाम कमाना चाहते हैं। अभी उनसे किसी कंपनी ने संपर्क तो नहीं किया है लेकिन उसे फोन जरूर आ रही है। इस मैकेनिक की प्रतिभा काबिले तारीफ है, जरूरत है उसे पर्याप्त प्रचार प्रसार करने की। अगर किस्मत ने उसका साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब गुलाब वर्मा का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो जाएगा। उसे अब उस दिन का इंतजार है जब कोई नामी कंपनी उसके इस प्रोडक्ट को पेटेंट कराकर उसकी गरीबी दूर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।